पॉलोनिया दुनिया की फ्लेक्सिबल तरीन लकड़ी है। आप देख रहे होते हैं डाइविंग बोर्ड्स कितनी हाइट से डाइवर्स जो है ना वो डाइव करते हैं, और वो पॉलोनिया की लकड़ी होती है। इसके अलावा बहुत सारे जो स्पोर्ट्स में ये यूज़ होती है, फिर बड़ी गाड़ियों में यूज़ होती है। अल रज़ा फार्म से आप सागवान, मोहागनी, पॉलोनिया और दीगर तमाम फ्रूट प्लांट्स आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बगीचा देखिए हमारा, माशाल्लाह फ्रूटिंग पर हैं पौधे, और आप हमारा फार्म विज़िट भी कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिस है, सामने ऑफिस हमारा, इस तरफ हमारे नर्सरी प्लांट्स हैं, ये हमारा ऑर्चर्ड है जिसका सामने आप देख रहे हैं ना शाखें, ये बड़ी शाखें, ये आपका तना बिल्कुल ख़राब करती है। और मेरा ये पौधा इस वक्त इन बड़ी शाखों की लपेट में आ गया। इस मेरी आईडी पर तमाम वीडियोज लगी हैं जिनमें मैंने अपनी मुकम्मल तफसीलात दी हुई हैं इनके बारे में। पॉलोनिया -17 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक वाले इलाकों में कामयाब है। इम्प्रेस्टी ये दुनिया भर में सबसे तेज ग्रोथ करने वाला पौधा है, जो कि अल रज़ा फार्म पर लगा हुआ है। पीछे आप देख रहे हैं पौधा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाजरीन, मैं अली रज़ा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक आईडी अल रज़ा फार्म्स। अल रज़ा फार्म्स आपको हमेशा जंगलात की, फसलात की और बागात की जितनी भी नई मालूमात होती हैं वो फराहम करता है। आज हम इस छोटे से क्लिप में इंतहाई अहम मालूमात पॉलोनिया के बारे में लेकर आए हैं। आपने इस वीडियो को स्किप भी नहीं करना और हमें फॉलो भी कर लेना है। इसके बाद आपने हमारी इस वीडियो को भी शेयर कर लेना है, ताकि आपके तवज्जो से जितने भी जिम्मेदार दोस्त हैं, जंगलात के फार्मर हैं, वो इस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। मोहतरम नाजरीन, वीडियोस में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो आपके तवज्जो से अगर किसी दोस्त को मिल जाएँ तो आपके लिए वो सवाब का बायस बनती हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल भला करने वालों का भला होता है। देखिए, हमारा काम सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी मालूमात शेयर करना है, अपने फार्म की तशहीर, अपने पौधों की, सीड्स की तशहीर करना बिल्कुल है। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ किसी के पास पहुंच जाए तो मेरे ख्याल में वो भी बहुत अच्छा अमल है। तो हम वीडियो की जानिब बढ़ते हैं आगे। वीडियो में हम पॉलोनिया की आज प्रूनिंग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो पॉलोनिया के बारे में बताता हूँ कि पॉलोनिया क्या है। पॉलोनिया इम्प्रेस्टी ये दुनिया भर में सबसे तेज ग्रोथ करने वाला पौधा है, जो कि अल रज़ा फार्म पर लगा हुआ है। पीछे आप देख रहे हैं पौधा। ये पौधा 2 साल और 8 महीने का है। इस वक्त अगर इसकी गिर्थ में आपको दिखाऊं तो वो तकरीबन 2 फिट प्लस हो चुकी है। ह्यूमन बॉडी पर जो गिर्थ है वो 2 फिट प्लस हो चुकी है, 2 फिट पूरी हो चुकी है, 2 फिट से कम नहीं है। तो नाजरीन, पॉलोनिया दुनिया में बड़ी महंगी तरीन लकड़ियों में शामिल है। सागवान के बाद पॉलोनिया की लकड़ी बहुत महंगी है। इसके बाद पॉलोनिया के बाद मोहागनी की लकड़ी बड़ी महंगी है। इस मेरी आईडी पर तमाम वीडियोस लगी हैं जिनमें मैंने अपनी मुकम्मल तफसीलात दी हुई हैं इनके बारे में। पॉलोनिया -17 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक वाले इलाकों में कामयाब है, और इसके जंगलात अब बाकायदा पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, और इसके ऊपर कोई सर्दी ने 1% भी इफेक्ट नहीं किया। सागवान पर सर्दी ने इफेक्ट किया है, मोहागनी पर किया है हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, और पॉलोनिया पर 1% भी इफेक्ट नहीं हुआ। मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत प्रूनिंग जो आज करने जा रहे हैं वो अल रज़ा फार्म यूट्यूब चैनल पर मैंने तफसीली वीडियो सागवान की लगाई है कि उसकी प्रूनिंग किस तरह करते हैं। ये पौधे दिखा दें दोस्तों को ज़रा कि हमने सुबह इसको किए हैं। ये वीडियो मैं फेसबुक के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसमें पॉलोनिया शामिल कर रहा हूँ। ये हमने प्रून किए हैं कि इन पौधों की आप जो इन पौधों के जो स्टेम्स हैं वो किस तरह आप सीधे रख सकते हैं, और हमने तनों से पत्ते भी हमने नहीं उतारे ज़्यादा, के तनों पर जो पत्ते होते हैं वो ताकत देते हैं तनों को। तो आए दोस्तों को ज़रा दिखाते हैं कि हम आज पॉलोनिया की जो प्रूनिंग है वो किस तरह करने जा रहे हैं। नाजरीन, पॉलोनिया पर ये जो ये शाखें हैं, ये छोटी शाखें हैं, ये बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेंगी इसके तने पर। ये इसका तना दिखाएं लोगों को, आए ज़रा दोस्तों को तना दिखाते हैं इसका। ये एक्चुअल इसकी पैशन फ्रूट की बेल है जो इस पर चढ़ाई है। तो ये तना आप देखें इस वक्त 2 फीट से ऊपर माशाल्लाह निकल चुका है। ये जो छोटी शाख है ना, ऊपर दिखाएं दोस्तों को, ये छोटी शाखें जो हैं ये इफेक्ट नहीं करती, इस बड़े तने को ख़राब नहीं करती। लेकिन इसके ऊपर लेके जाएं दोस्तों को, इधर से दिखाएं, यहाँ से आ जाएं, यहाँ से हैं दोस्तों को, ये दिखाएं कि ये जो सामने आप देख रहे हैं ना शाखें, ये बड़ी शाखें, ये आपका तना बिल्कुल ख़राब करती है। और मेरा ये पौधा इस वक्त इन बड़ी शाखों की लपेट में आ गया। मैं इन शाखों को काटूंगा, काट कर आप दोस्तों को मैं दिखाता हूं
इंशाल्लाह जो इसकी पोजीशन बनती है, शेप बनती है, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। वीडियो में आपने हमारे साथ रहना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो आपको अच्छे लगे तो हमारे आईडी को भी आपने फॉलो कर लेना है और वीडियो को शेयर भी आपने लाजमी कर लेना है। पॉलोनिया का ये खूबसूरत भारी भरकम पौधा 2 साल और 8 महीने का है। ये देखे इसका मेन स्टेम हमने बचाना है और बाकी जो टहनियां है वो तोड़ देनी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नीचे जो छोटी शाख है ना, ये आपके स्टेम को खराब नहीं करती और आपने इन शाखों को कोशिश करना है ना काटें। ये छोटी शाख है ना नीचे वाली, ये आप कोशिश करें कि ये ना काटें, आपके ये तने को खराब नहीं करेंगी। मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स देता रहूँगा। आप हमारे इस आईडी के ज़रिए, हमारे चैनल रोज़ा फार्म के ज़रिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मालूमात मिलेंगी। तो ये अब अगर वहाँ तक ठीक हो जाता तो इंशाल्लाह 25 फीट तक हम इसका स्टेम हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। अल रज़ा फार्म से आप सागवान, मोहगनी, पॉलोनिया और दीगर तमाम फ्रूट प्लांट्स आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बगीचा देखिए हमारा, माशाल्लाह फ्रूटिंग पर हैं पौधे, और आप हमारा फार्म विजिट भी कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिस है, सामने ऑफिस हमारा, इस तरफ हमारे नर्सरी प्लांट्स हैं, ये हमारा ऑर्चर्ड है। जिस कॉलोनिया दुनिया की फ्लेक्सिबल तरीन लकड़ी है, आप देख रहे होते हैं डाइविंग बोर्ड्स कितनी हाइट से डाइवर्स जो है ना वो डाइव करते हैं, और वो पॉलोनिया की लकड़ी होती है। इसके अलावा बहुत सारे जो स्पोर्ट्स में ये यूज़ होती है, फिर बड़ी गाड़ियों में यूज़ होती है, फिर इसके अलावा ये जहाज़ों में यूज़ होती है। तो ये बहुत कीमती लकड़ी है, इसकी फार्मिंग पाकिस्तान में कामयाबी से हो रही है। आप इसका स्टेम देखें, ये 2 साल और 8 महीने का पौधा है। नवंबर 2021 को ये लगा था, आज 2024 का मई है, और नवंबर के बाद आप देख लें कितने महीने बनते हैं, तकरीबन 2 साल और 8 महीने ही इसको हो गए। तो माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन ग्रोथ, बड़ी ही बेहतरीन ग्रोथ आपके सामने है।